नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं कि बिना चाहे हम दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, कभी कभी चोट चपेट लग जाती है और कभी कभी रेगुलरली निरंतर चोट चपेट लगती रहती है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आखिर क्या वजह होती है चोट चपेट और दुर्घटनाओं की और इनसे बचाव कैसे किया जाए, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि चोट चपेट और दुर्घटना के लिए ज्योतिष में कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, किसी भी तरह की दुर्घटना के लिए सबसे पहले चंद्रमा को देखना होगा, क्योंकि आपकी डेली लाइफ पर, आपके दैनिक जीवन पर जो ग्रह सबसे ज्यादा असर डालता है वो होता है चंद्रमा। इसके बाद राहु और केतु की स्थिति को समझना होगा, क्योंकि जीवन में जो चीजें सडनली होती हैं, आकस्मिक रूप से होती हैं, वो राहु और केतु की वजह से होती हैं। अगर इसमें सूर्य या मंगल की भूमिका होती है, यानी चंद्रमा भी गड़बड़, राहु केतु भी गड़बड़, मंगल भी आ गया, तो चोट का शिकार व्यक्ति हो जाता है। अगर शनि मंगल का संबंध बन गया, चंद्रमा खराब हो गया, तो दुर्घटना काफी ज्यादा हो जाती है। चोट चपेट से बचें कैसे, इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मान सम्मान, यश की प्राप्ति होगी, परिवार की स्थितियों में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, सेहत में आपके सुधार होगा, करियर की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, संतान की समस्याओं पर थोड़ा ध्यान दें, धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें, बड़े बुजुर्गों की बात माने तो उनकी सलाह से लाभ होगा। शनि मंत्र का अगर आज 108 बार जप कर लें तो दिन की मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। ये समझेंगे कि अगर दुर्घटना की स्थितियां कुंडली में बन गई हैं, संभावना बनी हुई है, तो क्या उपाय करें जिससे बचाव हो जाए। लेकिन उसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। आज का पहला जो मेल है वो हमें यश कुमार जी ने लिखा है, कानपुर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 19 अक्टूबर 2002, जन्म का समय है 9:58 सवेरे, जन्म स्थान है कानपुर। ये कह रहे हैं कि मुझे किस तरह के करियर में सफलता मिलेगी और मैं ऑनलाइन काम करना चाहता हूं, क्या मैं ऑनलाइन काम कर सकता हूं। यश कुमार जी, कुंडली आपकी वृश्चिक लग्न की है और मीन राशि की है, महादशा बुध की और अंतर दशा मंगल की चल रही है। देखिए, अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाते हैं, क्रिएटिव क्षेत्र में जाते हैं, मीडिया के क्षेत्र में या प्रेजेंटेशन के क्षेत्र में जाते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। साइड में अगर आप इनकम के लिए ऑनलाइन काम भी करते हैं तो ऑनलाइन काम में भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुश्किल ये है आपकी कि आप एक साथ बहुत सारे काम करना चाहते हैं, जिस चक्कर में कोई काम नहीं होता है, तो आप एक साथ धीरे धीरे रास्तों पे आगे बढ़ें और कोशिश करें कि एक बार में एक ही काम करें तो आपके लिए बेहतर होगा। एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में,
शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है bhagyachakra@aajtak.com। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली में खराब दशा चल रही है, चेतावनी मिलती है कि दुर्घटना हो सकती है, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, जब भी आप घर से निकलते हैं भगवान को नमस्कार किए हुए बिना मत निकलिएगा। जिसके प्रति भी आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, आपके गुरु हैं, आपके इष्ट देव हैं, भगवान हैं, उनको नमस्कार करिए। और हो सके तो निकलने के पहले आप एक बार हनुमान चालीसा भी जरूर पढ़ लीजिएगा। और घर से निकलते समय कुछ मीठा खा करके निकलिएगा, जैसे गुड़ या मिठाई खा करके निकलें तो अच्छा होगा। काले रंग के वस्त्रों से आपको परहेज करना चाहिए। जिन दिनों में कुंडली में दुर्घटना की संभावनाएं बनी हुई हैं, उन दिनों में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल ना करें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। सिंह राशि स्वस्थ महसूस करेंगे, आर्थिक पक्ष बेहतर होगा, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, करियर में कुछ बदलाव इस समय हो सकता है। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपको बार बार चोट लग जा रही हो तो उससे बचने का उपाय क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपका एक और सवाल लेते हैं। अगला प्रश्न हमें वर्षा जी ने लिखा है, गुना मध्य प्रदेश से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 16 मई 1983, 6 बजे शाम को, जन्म स्थान है गुना मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि एलर्जी की समस्या है, स्वास्थ्य में निरंतर दिक्कतें बनी रहती हैं, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, जीवन को बेहतर कैसे बनाऊं। वर्षा, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन। महादशा आपकी बुध की है और अंतर दशा आपकी शुक्र की फिलहाल चल रही है। एक तो कुंडली में शनि और बुध दोनों वक्री हैं, दूसरे राहु चंद्रमा का संबंध भी बना हुआ है, तो समस्याएं तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मानसिक तनाव भी कुंडली में बहुत ज्यादा है, जिस वजह से सेहत बेहतर नहीं हो पा रही है। आप ऐसा करें, एक तो अपने खान पान का, अपने डाइजेशन का, पेट का हमेशा ध्यान रखें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। एकादशी महीने में 2 आती है, एकादशी का उपवास रखें और एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। अब अगर बार बार आपको चोट लग जा रही है तो क्या उपाय किए जाएं? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर। अपने माथे पर या कंठ पर रोली का तिलक लगाइए रोज सुबह। एक लोहे का छल्ला जरूर पहन लीजिएगा दाहिने या बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में शनिवार की शाम को, और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। जब भी घर से बाहर निकलेंगे या जूता चप्पल पहनेंगे, अच्छी तरह से झाड़कर पोंछकर तभी पहनिएगा, वो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल क्या है।
तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय फिलहाल न लें, यात्रा में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप करें ओम शं शनैश्चराय नमः तो निश्चित रूप से आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा, परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। धनु राशि, पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर में आपको मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। आपके एक और सवाल का जवाब देते हैं। गीता जी ने हमें मेल लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 31 दिसंबर 1959। जन्म का समय है 5:20 प्रातः। जन्मस्थान है शिवपुर, मध्य प्रदेश। ये लिख रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य निरंतर खराब बना रहता है, मेरा स्वास्थ्य कब बेहतर होगा और उसके लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए। गीता जी, कुंडली आपकी वृश्चिक लग्न की है और आपकी राशि बनती है मकर। महादशा शनि की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है जुलाई 2024 तक। सबसे पहले जुलाई 2024 तक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। नसों की समस्या, न्यूरो प्रॉब्लम, हड्डियों की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है, उसको लेकर के आपको सतर्क रहना चाहिए। देखिए, एक तो न्यूरो और हड्डियों की समस्या है ही, दूसरा बेवजह का मानसिक तनाव भी दिखता है, इसको थोड़ा कम करने का प्रयास करें। नित्य प्रातः भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, सुबह शाम शांति पूर्वक बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक मोती बनवा के पहने, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। तो अगर आपका कोई छोटा बच्चा है और उसे बार बार चोट लगती है, बच्चे थोड़े शैतान होते हैं और उसके बाद भी उसको चोट बार बार लगती है, आप ध्यान रखते हैं, तो क्या उपाय किया जाए कि वो चोट से बचे? बच्चे को रोज स्नान करवाइए और नहाने के जल में जरा सा गुलाब जल मिलाइएगा। बच्चे के गले में एक लाल धागा पहनाइए और ये लाल धागा हनुमान जी के मंदिर में जा करके उनके मूर्ति से स्पर्श करा के ले आइएगा और ये बच्चे के गले में मंगलवार को पहना दीजिएगा। बच्चे के लिए माता या पिता हर सोमवार को सफेद वस्तु का दान करेंगे और अगर बच्चे को चोट बहुत ज्यादा लग जाती है या भयंकर तरीके से बार बार चोट लगती है तो सलाह लेकर के बच्चे के गले में एक ओपल या मोती का लॉकेट धारण करवा दीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता बिल्कुल ना करें, खान पान का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्ग की सहायता से आपको लाभ होगा। 108 बार अगर शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, ऑफिस की समस्या आपकी हल होगी, रिश्तों को निभाने और बचाने का प्रयास करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल।
अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय। आज सुबह के समय एक बार पूजा स्थान पर बैठ के प्रेम से हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा और इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।